हेल्पिंग हैंड यूथ क्लब पिंजौर द्वारा पिंजौर ग्रीन वैली धर्मपुर कॉलोनी पिंजौर में सेक्टर 6 पंचकुला से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट किए। पिंजौर शहर की धर्मपुर कॉलोनी ग्रीन वैली में सेक्टर 6 पंचकुला सामान्य हॉस्पिटल की टीम ने डेंटिस्ट डॉक्टर नवदीप के नेतृत्व में और राष्ट्रीय जनलोक पार्टी सत्य के राष्ट्रीय सचिव बलवान ठाकुर की अध्यक्षता में बुधवार को सैकड़ों लोगों के आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट में सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, जबकि आरटीपीसीआर की कोरोना रिपोर्ट अगले दिन मिलेगी। डॉक्टर नवदीप ने बताया कि दोपहर तक 50 लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए थे, जिनकी रिपोर्ट अगले दिन आएगी, जबकि शाम तक ग्रीन वैली और धर्मपुर कॉलोनी के सैकड़ों लोगों ने कोरोना टेस्ट करवाए। यहाँ पर हेल्पिंग हैंड यूथ क्लब पिंजौर के चेयरमैन मुकुल ठाकुर, बलवान ठाकुर, अन्य लोग मौजूद थे। पिंजौर ग्रीन वैली में टेस्ट किए हैं आरटीपीसीआर, ठीक है। आरटीपीसीआर जो है हमारे 50 टेस्ट हो गए हैं और 7-8 जो है हमने रैपिड एंटीजन टेस्ट किए। अभी तक जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो नेगेटिव है और आरटीपीसीआर की रिपोर्ट सबको कल दोपहर को मिल जाएगी। हेल्पिंग हैंड की शुरुआत आज से कुछ 1 साल पहले की थी। इनकी तरफ से हमने अपने पायल साहब जो कोविड के इंचार्ज हैं यहाँ पे, उनसे रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे जो कुछ लोग बाहर के रह रहे हैं, यूपी बिहार से रह रहे हैं, वो टेस्ट नहीं करा रहे हैं कि उनके कारण कहीं कोरोना फैल ना जाए। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करके यहाँ पे कैंप लगवाया और ज़्यादा से ज़्यादा घरों से ले लेके आ रहे हैं और उनके यहाँ पे टेस्ट करवा रहे हैं। कितने हो चुके अब तक? अभी तक 50+ हो चुके हैं। शाम तक 100-150 टेस्ट हम करवा देंगे। वैक्सीनेशन की भी तैयारी कर रहे हैं। वैक्सीनेशन के कैंप की हम परमिशन जिस दिन मिल जाएगी, हम जो यहाँ बुजुर्ग रह रहे हैं लोग घरों में जो नहीं जा सकते, तो हम उनको गाड़ी के साथ जो गाड़ी के अंदर ही उनका टेस्ट करवाएंगे, ताकि वो बाहर भी किसी के संपर्क में ना आए। अरे ये पहली इस तरह का पहला होगा यहाँ पे, ये इस एरिया में पहला हो रहा है हेल्पिंग हैंड ग्रुप की तरफ से।